गुजरात से बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं और कई काफी घूम घाम के आप इस समय हमारे साथ हैं और काफी मशक्कत के बाद भाई से मुलाकात हुई। तो भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि राजनीति में आने का मन कब और कैसे हुआ आपका? राजनीति में मैं 1980 के अंदर कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा था निर्दलीय, और राजकारण में आने का कारण ये था कि मैं उत्तर भारतीय था और उत्तर भारतीय के आधार पर एक मन बना लिया था मैंने कि जीवन के अंदर एक मनुष्य अवतार लिया है तो किसी के सहयोग या किसी के काम में आ सके। और मेरे जो बड़ौदा विस्तार, वाणी विस्तार था, वो बहुत इतना कचराया विस्तार था कि वहां पानी की तंगी थी, रोड की तंगी थी, ड्रेनेज की तंगी थी। इसके आधार पर मैं वहां चुनाव निर्दलीय लड़ा था और चुनाव लड़ने के बाद जीत कर मैंने मेरे पूरे क्षेत्र में जितने क्षेत्र सूखी झुकी झोपड़ी थी वहां तक पानी का पहुंचाया, मैंने ड्रेनेज की लाइन पहुंचाई, रोड रस्ते कराए। और उसके बाद बड़ौदा में मेरा जन्म है, मेरा जन्म बड़ौदा शहर के अंदर हुआ। तीसरी पीढ़ी हुई है हमारे बाप दादा को यहाँ, और तीसरी पीढ़ी के होने के बाद फिर दोबारा भी कॉरपोरेशन का चुनाव जीता, फिर विधायक का चुनाव में निर्धारित चुनाव, फिर वाघोड़िया मत विस्तार से लड़ा कि जहां वाघोड़िया तालुका के अंदर हमारी खेती की जमीन है और अड़स पड़ोस में वाघोड़िया विस्तार में जाया करता था तो वहां के लोग कहते थे, खेडूत लोग नहीं, लोग कि भाई आप शहर छोड़ के हमारे वाघोड़िया मत विस्तार में लड़िए और हम आपको जीता के लाएंगे। और मैं वहां चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव जीता मैं वहां, और जीतने के बाद फिर दोबारा चुनाव आया तब बीजेपी ने मेरे को बुलाकर मीटिंग करी और मीटिंग के साथ में मुझे बीजेपी ने टिकट दी। दूसरी दो टर्म जीता फिर मैं बाद बीजेपी में, आज तीसरी टर्म है एमएलए तरीके और कॉरपोरेटर तरीके, उसके पहले दो दफे कॉरपोरेटर तरीके। आज मेरे को 25 साल जैसे राजकारण में आए हैं। 25 साल के दरमियान में इस गुजरात के अंदर कुछ लोग आदिवासी झुकी झोपड़ी वाले ऐसे लोग थे, वो लोग जब भी मेरे पास आए होंगे, पूरे गुजरात के, बड़ौदा जिला के कोई भी आया होगा, उसका मैंने काम करने का प्रयत्न किया है और निस्वार्थ से काम किया है। और साथ में किसी को निर्वस करके मैंने आप तक नहीं भेजा। मधु भाई, आप जैसे कि राजनीति में काफी पुराने हो गए, आपने बीजेपी पार्टी का चुनाव किया, ऐसी कौन सी खामियां आपने देखी, कौन सी अच्छाइयां देखी जिसके चलते आपने सिर्फ बीजेपी को ही चुना? बीजेपी को चुनने का कारण ये था कि मैंने हिंदू जाति में जन्म लिया है और हिंदू जाति को प्रोत्साहन देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में गया हूं। आज तक कोई पार्टी दूसरी पार्टी में गया नहीं हूं, पर बीजेपी में गया हूं। इसका कारण यही है कि बीजेपी विकास के पंथ पर चलने वाली बीजेपी पार्टी है और ये पार्टी इस तरह चलती है कि पूरे काम करती और नक्कर काम करती आई हुई है। आज तक 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया इस हिंदुस्तान के ऊपर, नहीं इस गुजरात के ऊपर, कोई सुखी झोपड़ी के काम नहीं करे, कोई रोड रस्ते नहीं करे, ठेठ छेल जो छेल पूरा अंत गांव तालुका के जो छेले गांव आते हैं वहां तक रोड का काम इस बीजेपी सरकार ने, पानी का, रोड का, अभी गटर योजना का कर रहे हैं और विकास दिख रहा है गुजरात के अंदर। जो गुजरात के अंदर आप मध्य प्रदेश में से गुजरात में प्रवेश हो तो आपको मालूम पड़े कि नहीं गुजरात है, और गुजरात में से तुम मध्य प्रदेश या यूपी कहीं भी जाओ वहां के रोड रस्ते देखो तो बिल्कुल इसे खाली कागज पे ही कार्य चलता हो ऐसा ही महसूस होता है। मगर गुजरात ने आज 5 साल से बीजेपी ने जो शासन लिया है और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जब से ये गुजरात के अंदर संभाला है तो बहुत बढ़िया काम किया है, रोड रस्ते के काम किए हैं उनने, और जो गुजरात की गुंडागिर्दी थी वो बंद करी है उनने, गुजरात के अंदर ये शराब के अड्डे, जुगाड़ के अड्डे, ये आंकड़े के धंधे, ये भी बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार में बंद किया गया है। मधु भाई, कुछ ऐसे काम जरूर होंगे आपके राजनीतिक जीवन में जो काफी लंबे समय तक याद रखे जा सकते, वो कौन कौन से काम? गुजरात के मेरे मत क्षेत्र के जी, मेरे मत क्षेत्र के अंदर तो पहली बात तो पानी के जो समस्या थी, जो पानी पुरवठा की एक लाइन बनवाकर 90 गांव के अंदर सबको पानी पहुंचाया, ये याद करेंगे। दूसरा, छिल्ली घड़ी होती जो मरण की, जो लोग मर के, एक देव नदी के किनारे पर बहुत बड़ा भव्य मैंने शमशान बना रहा हूं अभी, और वो शमशान ग्रह बनेगा तो मैं नहीं रहूंगा, मेरी पीढ़ी की पीढ़ी रहेगी, तब तक कोई भी अंतिम यात्रा में आएगा तो याद करेगा, ऐसा देव नदी के किनारे वागोड़िया के अंदर मैं बना रहा हूं। उसके पाए और ढांचे खड़े हो गए और कम से कम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का मैं खर्चा करूंगा मेरे बजट के अंदर से, सरकार के उसमें से, और ये बनाऊंगा मैं। और दूसरी समस्या कि मेरे मत क्षेत्र के अंदर आज बड़ौदा सिटी के अंदर सबको घर पर गैस मिलता है, तो मेरे वागोड़िया की प्रजा को घर घट्टू गैस पाइपलाइन से दिलाने के लिए मैंने दरखास्त की है और वो रजूआत कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, और उसको मंजूरी करने लाने के प्रयत्न करूंगा, तो वो गैस की लाइन भी दिलवाऊंगा। और उद्योग है मेरे वहां, शिक्षण क्षेत्र है मेरे वहां, और मेरे मध्य विस्तार के अंदर इतना शांत है लोग कि जब मैं 50 कोस दूर रहता हूं और मैं चुनाव लड़ता हूं बागुड़िया के अंदर और रहता हूं सिटी बड़ौदा में, और वहां की प्रजा आज मुझे भगवान की तरह मानती है, तो मैं भी वही सोचता हूं कि लोगों के लिए काम करना चाहिए, और बोला वचन दिया है मेरी वागोड़िया की प्रजा को कि जब तक मैं जिंदा रहा, मेरी सांस में सांस रही, तब तक वागोड़िया की प्रजा को मैं भूलूंगा नहीं, आधी रात को मेरे पास कोई भी काम लेके आएंगे उसका काम मैं करूंगा, वो खातरी दी गई है। साथ में विकास तो इतना किया है कि अजबों रुपए का विकास का काम मैंने मेरे मत क्षेत्र के अंदर किया है, रोड, पानी की लाइन, आवास के मकान, सरदार आवास के मकान, दीनदयाल योजना के मकान, ये सब गरीबों को, झुकी झोपड़ी लोगों को, क्योंकि मेरा मत क्षेत्र 75% मध्यम वर्ग के लोग हैं, वहां गरीब लोग हैं, वो गरीबों को मैंने जब भी रेल राहत हुई होगी तो भी सरकार के पास से लड़कर भी मैंने उनको उनका जो भी घर बकरी का सामान होगा कि गैस डोर होगा वो भी दिलाया है मैंने, सबको करोड़ों रुपये दिलाए हैं मैंने। और आज मेरे मत क्षेत्र के अंदर मैं आज वो भी आज दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी चुनाव आएगा तब मेरे को मेरी वागोड़िया की प्रजा मेरे को वोट देकर जबरदस्त वोट से जीत के लाएगी। मैं कांग्रेस के वोट जितने होते उससे डबल वोट अभी तक मेरे को मिलते आए हुए हैं, मेरे मत क्षेत्र के अंदर 30,000 कांग्रेस को वोट मिले होंगे तो मेरे को 60,000 मिले होंगे, 35,000 उसको कांग्रेस को मिले होंगे तो मेरे को 70,000 वोट मिले होंगे, इस सर्वैया से चलता आया हूं। और आज भी दर गुरुवार को, अभी तो विधानसभा चलता है, बाकी दर गुरुवार को मेरी वागोड़िया की प्रजा के साथ बैठकर सभा करता हूं, सभा के साथ में अधिकारियों को बिठाता हूं, अधिकारियों को बुलाकर प्रजा को पूछता हूं क्या काम है, चलो इसको जवाब दो और इसका काम कितने टाइम में करते हो, वो टाइम का काम करवाता हूं मैं, ये राजनीति के अंदर करते आया हूं। मेरे जितनी भी मैं चैलेंज देता हूं, गुजरात के अंदर मैंने किसी को नौकरी दिलाई हो, किसी का कॉन्ट्रैक्ट दिलाया हो, या किसी का कोई भी काम कराया हो, बदली का काम भी कराया हो, ऐसा गुजरात में एक आदमी अंगली चीर के बोल देवे, साबित करके बता देवे कि मधु भाई श्रीवास्तव ने हमारे पास रुपया लेकर एक काम किया है, तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, मेरे मां बाप में फर्क हुआ है कि मैं राजकारण छोड़ दूंगा जो एक भी साबित करके बता दू, ये मेरे राजनीति के अंदर है। मेरा जमीन का, होटल का, कंस्ट्रक्शन का, खेती का, ये धंधा है मेरा। इन सब चीजों के साथ आप तालमेल कैसे बैठा पाते हैं? बिजनेस है आपके पास, राजनीति भी है,
और आज आपके पास एक ऐसा अहदा है, आप कुछ भी करने में सक्षम है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का राज है गुजरात में। अगर एक नजर सरसरी तौर से देख ली जाए गांव के अंदर जाके, तो वहां पर भी अभी भी गरीब कहीं ना कहीं कसम कसम में जी रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जो वहां पर राज कर रहे हैं और वो गरीब जो आज भी कसम कसम की जिंदगी जी रहा, उन लोगों के लिए क्या कहें? मेरे मत क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे गुजरात की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। मेरे मत क्षेत्र के अंदर किसी के घर पे खाना नहीं होए ऐसा बन नहीं सकता, और नहीं होए तो उसको मेरे कार्यकर्ता जाकर पहुंचाते हैं। जब जाओ भाई अपने खेत में ये धान पकिए, उसको मन दो मन दे क्या हो, और भूखे मरे नहीं। इसी परिस्थिति में मेरे मत क्षेत्र के अंदर करता हूँ। मधु भाई, आने वाले समय में आप अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? क्योंकि आपने अपने जो राजनीति की यात्रा थी वो इंडिपेंडेंट शुरू करी, फिर बीजेपी में आ गए, कहीं ना कहीं एक सपना जरूर होगा जो अभी भी अधूरा है। नहीं, मेरा सपना तो एक ही था कि मैं कॉरपोरेटर बनूं और विधायक बनूं, उसके बाद कोई सपना मेरा था नहीं कि मंत्री बनने की कोई ललक नहीं है। नहीं नहीं, मंत्री बनने में तो जब अपना चांस आएगा तब की बात तब है, मगर मंत्री में बनने करता विधायक रहकर प्रजा के साथ रह सकेंगे। मंत्री बनेंगे तो फिर हमको यहाँ गांधीनगर में डेरा डालना पड़ेगा, हमारी प्रजा का जो संपर्क करना है वो नहीं कर सकेंगे हम। इसलिए हम इतने लालसा मंत्री की रखते नहीं है, फिर भी पार्टी सेवा करने का मौका देंगे तो भी निभाने का प्रयत्न हम करेंगे। चलते चलते आप खास तौर से अपने क्षेत्र वासियों के लिए क्या संदेश देंगे? मेरे मत क्षेत्र के लिए तो यही संदेश देता हूँ कि मेरे वाघोड़िया मत विस्तार और बड़ौदा जिला के लोग सुख शांति से जिए और सबको रोजी रोटी मिले और ये सब आगे बढ़े और उनके बाल बच्चे को पढ़ाकर कोई अधिकारी बनावे, कोई पीएसआई बने, कोई डॉक्टर बने। ये शुभेच्छा मैं मेरे मत क्षेत्र और बड़ौदा जिला की और शहर को ये शुभेच्छा देता हूँ। अगर मधु भाई राजनीतिक नहीं होते तो क्या होता? एक बिजनेसमैन होते, एक खेतियार होते, होटल इंडस्ट्री चलाते, एक कंस्ट्रक्शन चलाते, क्या होते आखिरकार? देखो, राजनीति में आना राजभोग लिखा होता है आदमी के